हेलो दोस्तों क्या हाल चाल गाइस अगर आप एक लेनोवो के लैपटॉप यूजर हैं और आपको ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखेगा गाइस ये वीडियो मैं स्पेशली आइडिया पैड एस वन फोर फाइव के लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं ये खुद लैपटॉप यूज करता हूं और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज किया उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस उस वीडियो में शेयर किया है बहुत सारे केसेस में क्या होता है गाइस कि आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है उस छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर और आपको ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम जो होती है उसे फिक्स करना सिखाऊंगा गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के लिए ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा ये वीडियो लेनोवो यूजर्स के लिए अगर आपके पास कोई अदर मशीन्स है तो आप सिंपली उसका सर्च कर सकते हैं गूगल में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी लेकिन आपको आपके लैपटॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए और उसे डाउनलोड करने के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ड्राइवर ऐसी एक मेन कड़ी होती है लैपटॉप की जिसमें आपके बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं लाइक वाईफाई को लेकर इशू रहता है कनेक्टिविटी को लेकर या फिर साउंड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है माइक वर्क नहीं करता है तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ड्राइवर तो आज की इस वीडियो में आपको ड्राइवर डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं प्रॉपर अपडेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस ड्राइवर को आप अपने पीसी के अंदर मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं आपको सिंपली जाना है यहां पर सर्च बार पे और यहाँ पास आपको सर्च करना है सिंपली डिवाइस मैनेजर तो मैंने यहाँ पास सर्च किया है डिवाइस मैनेजर यहाँ पास आप देख सकते हैं आ गया है बिल्कुल डिवाइस मैनेजर इस पे जाके आप ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं अगर आपको यहां पास ड्राइवर नहीं मिलते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे आइडियो इनपुट के लिए ड्राइवर अपडेट करना है सिंपली यहाँ पास आपको एक्सपेंड करना होगा इसे यहां आपको सेलेक्ट करना होगा कि माइक्रोफोन या फिर स्पीकर के लिए आपको करना है तो मैं माइक्रोफोन के लिए करना

पीसी में आपको जाना है अगर आपका ड्राइवर नहीं अपडेट है सिंपली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अब चलिए मेथड टू का हम उपयोग करते हैं सिंपली हम जाते हैं गूगल क्रोम पे और हम लेनोवो के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली हम सर्च करते हैं लेनोवो उसके बाद हम सर्च करते हैं सपोर्ट्स इतना हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पास पहली वेबसाइट आ जाएगी जो कि ऑफिशियल साइट रहनी चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी का सर्च करें तो यहाँ पास आप डाल सकते हैं सिंपली एचपी सपोर्ट या फिर डेल सपोर्ट या फिर आसूस सपोर्ट जो भी आपका लैपटॉप है उसका नाम उसके बाद सपोर्ट आप एंटर कर सकते हैं उसके बाद आपको दिख जाएगा मेरी इसमें तो पहले ही आ गए ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पास मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पास थोड़ा सा एरर आ रहा है मैं सिंपली बैक करके फिर से करता हूँ गाइस वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होगी यहाँ पास आपसे पूछेगा इंटर सीरियल नंबर अगर आपको नहीं पता अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर बेसिकली स्टार्ट होता है पी एफ -E से अगर आपको नहीं पता है तो डिटेक्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करिए ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डिटेक्ट कर लेगा तो यहाँ पास मैंने सिंपली क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं सीरियल नंबर सब कुछ आ गया है यहाँ पूरा लैपटॉप की डिटेल आ गई है अगर आपको वारंटी वगैरह चेक करना है तो आप देख सकते हैं कब वारंटी एंड होगी सारी चीजें यहाँ पास आ गई है आप मैनुअली यहाँ पास देख सकते हैं ए टू जेड चीजें आ चुकी हैं अब आपको सिंपली ड्राइवर अगर अपडेट करना है तो सिंपली आपको जाना है बगल में ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे और यहां सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं तो पहले आपको डाउनलोड करना है सिंपली आपको मैनुअल अपडेट पर जाना है ऑटोमेट वाले पे रहने देना है यहां से आपको चेक कर लेना है कि आपको कौन सा ड्राइवर्स चाहिए लाइक एडवांस फॉर्मिहर ऑडियो का चाहिए बायोस का चाहिए ब्लूटूथ मॉडर्म या फिर नेटवर्किंग का तो मैं वाईफाई का आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पास मैं गया सिंपली क्लिक किया उस पर यहाँ मैं इसे सी फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पास मेरे पास दो लेटेस्ट फाइल आ चुकी हैं आप देख सकते हैं डेट वगैरह 25 फरवरी के हैं यहाँ से डाउनलोड का सिम्बल मिल जाएगा मैं सिंपली यहाँ पास डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसे डाउनलोड करके आपको फिर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पास ये यह डाउनलोड का लोकेशन पूछ रहा है तो मैं सी ड्राइव किए दे रहा हूँ सिंपली और यहाँ पास मैंने सेव कर दिया इस एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम अपडेट करके दिखाएंगे तो यहाँ पास हम सिंपली क्लिक किए दे रहे हैं एंड यहाँ से हमने इसको कर लिया सेलेक्ट और यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया गाइस डाउनलोड होने के बाद मैं आपको ओपन करके और इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो गाइस यहाँ पास हो चुका है ये डाउनलोडेड सक्सेस और यहां से आपको इसको एक्सपेंड करना है ओपन कर लेना है और यहां से आपको सिंपली इसे अपडेट कर लेना है गाइस ड्राइवर अपडेट करने के बाद एक बार आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि चीजें सही से फिर से उसी तरीके से हो जाए अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको फिर से जाना है और रिस्टार्ट कर लेना है मतलब ड्राइवर अपडेट करने के बाद पीसी को रिस्टार्ट करना है सॉरी टू सो से और यहां पर yes दिया और यहां से ये हो जाएगा सक्सेसफुली तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेनोवो के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा हम आपके लिए जरूर से जरूर से जुलूल से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अस्तला बीसता